हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ये 1218 रुपये पर क्लोजिंग दिया है लास्ट ट्रेडिंग डे को, और तारीख थी उस दिन 19 जून 2020। दोस्तों आज जो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज अपना Q4 और FY20 का रिजल्ट प्रस्तुत की है, और आज हम लोग उसके रिजल्ट पर चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार का रिजल्ट दी है। दोस्तों Q3 के रिजल्ट के बाद हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने डिटेल से बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर चर्चा की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज किस प्रकार की कंपनी है, और उसमें हम लोगों ने कुछ एस्टिमेट्स लगाए थे। मार्च क्वार्टर का रिजल्ट के अनुसार एस्टिमेट लगाए थे कि ये किस भाव पर ये शेयर ट्रेड कर सकता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप Q3 के रिजल्ट के बाद जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो एस्टिमेट लगाए थे उसको हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या एस्टीमेट लगाया था। दोस्तों जब हम लोगों ने पुराने वीडियो में 9 मंथ के रिजल्ट के आधार पर हम लोगों ने एस्टीमेट लगाया था कि फुल ईयर में मार्च एंड में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 4585 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है और प्रॉफिट 926 करोड़ का कर सकती है, और ईपीएस 47.93 का ईपीएस रिपोर्ट कर सकती है, ऐसा हम लोगों ने पुराने वीडियो में अनुमान लगाया था। लेकिन दोस्तों अब आज चूंकि जैसा कि हमने बताया कि Q4 FY20 का रिजल्ट बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लेके आ चुकी है, तो अब दोस्तों अब हम लोग उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि हम लोगों ने जो एस्टीमेट लगाया था और ये एक्चुअल जो रिजल्ट आया है उसमें क्या डिफरेंसेस है, और ये बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के रिजल्ट जो है हमारे एस्टीमेशन से मैच किए हैं या उससे खराब हुए हैं या उससे अच्छा हुए, उसके आधार पर दोस्तों हम लोग फिर से इसका वैल्यूएशन करेंगे कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज को किस स्तर पर ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके ग्राफ को देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 1215 के लेवल पर क्लोजिंग दिया है, और इसका जो चार्ट है एक चैनल के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। जैसा कि गिरावट आई थी लॉकडाउन के बाद, उस समय ये 705 रुपए पर आया था, वहां से इसने बाउंस बैक दिया और लगभग 1100 के स्तर में आने के बाद पुनः इसने करेक्शन दिया और लगभग 800 के स्तर पर आया, फिर ये वापस जो है बाउंस बैक देकर के आज 1215 पर ट्रेड कर रहा है। तो अब दोस्तों इसके रिजल्ट को, क्वार्टरली रिजल्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पुनः हम लोग चार्ट पर आएंगे और रिजल्ट के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का शेयर भाव आने वाले समय में किस प्रकार का रह सकता है। दोस्तों बालकृष्णा इंडस्ट्रीज दिसंबर क्वार्टर में 1156 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट की थी, और मार्च 2020 में इसने 1372 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट किया है। तो हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं दोस्तों कि दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में इनका पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है रिवेन्यू फ्रंट पर। अब सेम पीरियड में दोस्तों हम लोग नेट प्रॉफिट में भी देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 224 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि मार्च 20 क्वार्टर में ये बढ़कर के 265 करोड़ का हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दिसंबर क्वार्टर के रेस्पेक्ट में मार्च क्वार्टर में इनके नेट प्रॉफिट में तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है, ये पॉजिटिव ग्रोथ रहा है। और ईपीएस में भी देखिए दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर के बनिस्पत मार्च क्वार्टर में काफी अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको लास्ट
प्रीवियस ईयर मार्च क्वार्टर से अगर मिलान करते हैं तो हम पा रहे हैं कि मार्च क्वार्टर 2019 में ये 1356 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि बढ़ करके मार्च 2020 में ये बढ़ करके 1372 करोड़ का हो गया। तो प्रीवियस ईयर मार्च क्वार्टर से भी इस बार 2020 में मार्च क्वार्टर में इनका रिवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। और इसके प्रीवियस ईयर मार्च क्वार्टर में ये 186 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि मार्च 2020 में ये बढ़ करके 265 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले दिस ईयर्स में। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं न केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बल्कि ये मार्च क्वार्टर प्रीवियस ईयर्स से भी ये ग्रोथ करने में सक्षम रही है रेवेन्यू फ्रंट में भी और नेट प्रॉफिट फ्रंट में भी। तो हम लोग दोस्तों ये पा रहे हैं कि COVID-19 का बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, ये काफी अच्छा सेट ऑफ नंबर्स लेकर के आई है क्वार्टरली बेसिस पर। ये यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात है कि ये कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आई है। और दोस्तों इसका इंटरेस्ट को भी देखिए, ये इंटरेस्ट जो है मात्र 2 करोड़ का ये इंटरेस्ट पे करती है, यानी कि इतने बड़े प्रॉफिट में ये मात्र 2 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रही है, यानी ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और जैसा कि हम लोगों ने पुराने वीडियो में इसकी चर्चा की थी, अब दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, अब हम लोग इसके एनुअल रिजल्ट को भी देख लेते हैं। एनुअल बेसिस पर FY19 में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 5210 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि FY20 में घट करके 4811 करोड़ का हो गया। और दोस्तों सेम पीरियड में अगर हम लोग नेट प्रॉफिट पर जाएं तो FY19 में ये 774 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि बढ़ करके FY20 में 960 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि FY19 के रेस्पेक्ट में FY20 में बहुत ही तगड़ा यहाँ पर नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर इनके रिवेन्यू में डिग्रोथ देखने को मिला है लास्ट ईयर के बनिस्पत, लेकिन प्रॉफिट में काफी तगड़ा जंप देखने को मिला है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों FY20 में इन्होंने टोटल पूरे साल में 9 करोड़ का ही मात्र जो है इंटरेस्ट पे किया है, यानी कि ये इनके जो भी कर्ज थे उसको इन लोगों ने कम किया है, जिसके कारण इंटरेस्ट भी इनको कम करना पड़ा है। तो ये साल दर साल जो है ये कंपनी अपने इंटरेस्ट बर्डन को कम करते जा रही है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन काम है। और इस तरह से देखिए दोस्तों EPS में भी ये 40 रुपये से बढ़ करके 49.64 यानी 50 के आसपास हो गया, यानी कि इनके EPS में लगभग 25% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ये मान सकते हैं कि ये कंपनी काफी अच्छा रिजल्ट लेकर के आई है कोविड सिनारियों में भी, जबकि अच्छी अच्छी कंपनियां की हालत जो है रिजल्ट में देखने को मिल रही है कोविड के चलते, वो काफी बुरी रिजल्ट लेकर के आ रही है, लेकिन बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, कंपनी काफी अच्छा रिजल्ट लेकर के आई है। तो चलिए दोस्तों अब इसके प्राइस में भी हम लोग इसका प्रभाव को देखेंगे, और पुनः चार्ट को देखने से पहले हम लोग इस रिजल्ट को एक एक्सेल शीट में कवर किया है और उसमें हम लोग इसके एस्टिमेट को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस प्राइस रेंज में ये ट्रेड कर सकती है। तो दोस्तों हम लोगों ने जो एस्टिमेट लगाया था उसके अनुसार एक्चुअल जो आया है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है FY19 के रेस्पेक्ट में FY20 में रिवेन्यू फ्रंट में हम लोगों को लगभग 8% का डिग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट फ्रंट में हम लोगों ने एस्टिमेट 926 करोड़ का लगाया था, जबकि एक्चुअल आया है 559 करोड़ के आसपास आया, यानी 560 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया है। यहाँ पर 24% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि हमारे एस्टिमेट को बीट कर रही है। और EPS में हम लोगों ने EPS एस्टिमेट किया था लगभग 48 रुपीज आने का एस्टिमेट लगाया था, जो कि ये
बढ़ करके लगभग 50 के आसपास आया है। यहाँ पर भी जो है ईपीएस में 24% का ग्रोथ देखने को मिला है। इस प्रकार दोस्तों ये काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और दोस्तों फिर से हम लोग चार्ट को देखते हैं तो चूंकि रिजल्ट इनका दोस्तों अच्छा आया है और ये 1215 रुपये पर ट्रेड कर रही है, और इसका जो लाइफ है दोस्तों 1354 रुपये के आसपास है, जो कि यहाँ से करीब 125 रुपये का मार्जिन दिख रहा है। और चूंकि दोस्तों ये रिजल्ट काफी अच्छा लेकर के आई है और इसका चार्ट पैटर्न ये बता रहे हैं कि ये शेयर जो है 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और रिजल्ट अच्छा आया है, तो हम लोग दोस्तों ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये 1350 के लेवल को जल्द ही पार करने ये स्टॉक जा रही है बालकृष्णा इंडस्ट्री। तो चलिए दोस्तों अब किस स्तर तक जा सकती है हम लोग इसका वैल्यूएशन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पा रहे हैं कि जो इनके रिजल्ट आए हैं उसके अनुसार इस शेयर का मिनिमम प्राइस 740 रुपये के आसपास होना चाहिए और मैक्सिमम प्राइस लगभग 1300 रुपये के आसपास होना चाहिए। और हम लोग दोस्तों यहाँ पर चार्ट में भी देख पा रहे हैं कि जो ये शेयर है जब डाउनफॉल आया था तो ये 702 रुपये के आसपास आया था, जबकि हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया था कि 705 रुपये इसका मिनिमम भाव होना चाहिए था। तो उस स्तर से ये अपने मिनिमम भाव को टच करके ये फिर से वापस उच्चतम स्तर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने अभी देखा कि इसका जो मैक्सिमम भाव होना चाहिए ये 1300 रुपये के आसपास होना चाहिए रिजल्ट के आधार पर, तो चार्ट से भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका भाव जो है 1354 के स्तर को छूने का कोशिश करेगा आने वाले दिनों में। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बालकृष्णा इंडस्ट्रीज काफी अच्छा रिजल्ट लेकर के आई है, और चूंकि आज सैटरडे का दिन है और मार्केट क्लोज रहता है तो मंडे को इसमें काफी तेज उछाल देखने को मिल सकती है इसके रिजल्ट के आधार पर। तो दोस्तों अब हम लोग मंडे का इंतजार करेंगे और हम लोग ये देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने जो एनालाइज करके निकाला वो कहाँ तक सही हो पाता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सही जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच जाए।